Hello children, how are you all? Today we are going to start a new book. Hum start karne wale hain ek new book, Knowledge Universe by Brain Root series. So are you ready with me? Okay, so let's go. So bachcho, our first chapter is Stay Fit and Healthy. Fit aur healthy rehna. Sabko acha lagta hoga fit rehna. हेल्दी रहना, राइट? किसी को भी बीमार होना तो अच्छा नहीं लगता ना. तो अब आप मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे. हेल्थ कॉन्स्टिट्यूट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट में जब एक मानव का विकास होता है उसमें हेल्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हमारे देश की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ केयर, एक अच्छी हेल्थ केयर होना बहुत ज़रूरी है. और वो कब होगी? जब अवेलेबिलिटी ऑफ एन एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम इज़ असेंशियल. तो क्या ज़रूरी है कि अवेलेबिलिटी हो और एक्सेसिबिलिटी हो, मतलब ईजीली हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड हो. अगर हमें हेल्थ से जुड़ी हुई कोई हेल्प चाहिए या हमें कोई सर्विस चाहिए तो वो हमें प्रोवाइड हो. एंड दिस इज़ असेंशियल. ये ज़रूरी है किस लिए? फॉर इनेबलिंग गुड हेल्थ केयर टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. पॉपुलेशन, देश की पॉपुलेशन के लिए, देश की जनसंख्या के लिए, अच्छी हेल्थ जुटाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अफोर्डेबल भी हो और एक्सेसिबल भी हो. तो आगे चलते हैं. तो कैसे हम छोटी छोटी हैबिट से अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं ये मैं आपको बताऊँगी. वॉश योर हैंड्स. सो आपको क्या करना है? आपको फ्रीक्वेंटली टू कीप अवे फ्रॉम कैचिंग अ कोल्ड, जर्म्स पास क्विकली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर हम अपने हाथ बार बार धोते हैं तो वो क्या करता है? हमें कोल्ड होने से बचाता है. क्योंकि पर्सन टू पर्सन, एक आदमी से दूसरे आदमी को जर्म्स क्विकली पास होते हैं. तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वॉश योर हैंड्स. नेक्स्ट वी हैव पिक्चर ऑफ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब खूब सारा पानी. तो हमें खूब सारा पानी पीना है ऑन हॉट डेज एंड व्हेन यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स. जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, गर्म दिन हो, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तब आपको बहुत सारा पानी, यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज बी एक्टिव. आपको एक्टिव रहना है. और वो हम कैसे कह सकते हैं? गेट सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर एन आवर एवरी डे. हर रोज़ एक घंटे की एक्सरसाइज हमने करनी है. ओके, फाइंड अ वर्कआउट दैट इज़ फन फॉर यू. आप कोई ऐसा वर्कआउट भी ढूंढ सकते हो बच्चों जिसमें आपको मज़ा आता हो, जो आपको फन लगता हो जिसे करना. दिस कुड बी जंपिंग. ये जंपिंग हो सकती है, स्किपिंग हो सकती है. स्किपिंग होता है रस्सी कूदना. कूदते हो ना आप सब रस्सी, तो ये वो भी हो सकती है. प्लेइंग बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेल सकते हो आप. डूइंग जंपिंग जैक्स, आप लोग जंपिंग जैक्स भी कर सकते हैं. टेकिंग अ डांस क्लास, आप लोग किसी डांस क्लास में जा सकते हैं. स्विमिंग, प्लेइंग टैग और प्रैक्टिसिंग योगा. आप स्विमिंग कर सकते हो, खेल सकते हो, योगा कर सकते हो. आर जस्ट अ फ्यू ग्रेट वर्कआउट आइडियाज़. ये कुछ वर्कआउट आइडियाज़ हैं जो बहुत अच्छे हैं. और इन सबको करने से या इनमें से कुछ करने से आप एक्टिव रह सकते हो, राइट? सो लेट्स गो अहेड. टेल अ टीचर और अदर ट्रस्टेड बुलीड और सी समवन एल्स बीइंग हरेस्ट. अपनी टीचर को आप बता सकते हो और अदर ट्रस्टेड, और किसी दूसरे ऐसे बंदे को जिसको आप ट्रस्ट करते हो, अगर आपको कोई बुली कर रहा है या आप किसी और को हरास होते हुए देख रहे हो, कोई किसी को परेशान कर रहा है या कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन को, मतलब जिस पर आप भरोसा कर सको, या अपने टीचर को आप बताओ. ज़रूर बताना है, ओके? छुपाना नहीं है.
लिमिट द अमाउंट ऑफ शुगर इन योर डाइट, अपने डाइट में शुगर का अमाउंट, चीनी का प्रयोग आप कम करेंगे. एंड बिवेयर ऑफ हिडन शुगर्स, और हिडन शुगर्स मतलब कुछ खाना बच्चों हमें ऐसा लगता है कि इनमें चीनी नहीं है लेकिन उसमें चीनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड हिडन शुगर. ईट मोर फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, आप अनाज खाएं, सब्जियां खाएं और फल खाएं. एंड कट डाउन ईटिंग द पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड, और पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड को खाना बंद कर दें, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, नमकीन हो गई, ये सारी चीज़ें आप खाना बंद कर दें बिकॉज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर यू. ओके, स्टे इन टच. नेक्स्ट हमारी क्या हैबिट हो सकती है अच्छी, कि हम टच में रहें, हम बात करते रहें. ऑलवेज लेट योर पेरेंट्स और गार्जियंस नो वेयर यू विल बी एंड व्हेन यू प्लान टू रिटर्न होम. आपके बड़ों को, आपके पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो या आप घर पर कब लौटोगे. ओके, डोंट रिलाई ऑन योर मोबाइल फोन फॉर योर कॉन्टैक्ट नंबर्स. ओके, अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स के लिए आपको मोबाइल फ़ोन पर भरोसा नहीं करना है. आपको अपने पेरेंट्स के काम करने की जगह का या फिर उनके मोबाइल फ़ोन नंबर्स और अपने घर का फ़ोन नंबर याद होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल में डाल लिया और उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, जब भी आपको ज़रूरत होगी आप मोबाइल में से डायल कर लेंगे, लेकिन आपको ये याद भी होना चाहिए. हो सकता है कोई इमरजेंसी ऐसी आ जाए जब आपका मोबाइल फ़ोन आपके पास ना हो, या वो कहीं गिर गया हो या चोरी हो गया हो, उस कंडीशन में आप कहीं और से कॉल कर सकते हो. अगर आपका नंबर आपको याद है, आपके पेरेंट्स का नंबर आपको याद है या उनके काम करने की जगह का या अपने घर का नंबर याद है, तो आप किसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सो ऑलवेज स्टे इन टच, आपको टच में रहना है. ओके, ईट अ गुड ब्रेकफास्ट. स्टडीज शो दैट किड्स हु ईट अ बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट डू बेटर इन स्कूल. तो हमारी स्टडीज़ हमें बताती हैं कि जो बच्चे नाश्ता, एक बैलेंस नाश्ता करते हैं, मतलब उसमें कार्ब्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, ओके, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, तो ऐसे बच्चे स्कूल में भी बेटर करते हैं. एज पीपल हु ईट ब्रेकफास्ट एंड टू टेक इन मोर वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उन्हें ज़्यादा वाइटमिन्स और मिनरल्स मिलते हैं. दे ईट लेस फैट, वो फैट लेस खाते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एंड आर नॉट एज लाइकली टू ओवर ईट लेटर इन द डे. और फिर बाद में दिन में उनको ओवर ईटिंग करने की इच्छा नहीं होती, वो नहीं करते बिकॉज उन्होंने एक अच्छा खासा नाश्ता किया हुआ होता है. तो बच्चों आप भी अब अच्छे से नाश्ता करेंगे, ओके, जिसमें लेस फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होगा और ज़्यादा क्या होगा, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, ताकि आपको दिन में ओवर ईटिंग ना करनी पड़े. राइट, गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप ईच नाइट, मतलब रात में अच्छे से नींद पूरी करना, अधिक सोना. स्लीपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ एंड हेल्थ, आपकी ग्रोथ के लिए, मतलब आप बच्चे हो, आप बढ़ रहे हो, वो बढ़ने के लिए और आपकी हेल्थ के लिए स्लीपिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. वन वे टू स्लीप बेटर इज़ टू अवॉइड स्टारिंग एट स्क्रीन इन बेड. वन वे टू स्लीप बेटर इज़ टू अवॉइड स्टेयरिंग एट स्क्रीन इन बेड. ओके, सो एक तो अच्छा सोने का तरीका ये है कि आप बेड में आकर, जब आप बेड में आ जाओ अपने, उसके बाद आप कोई भी स्क्रीन देखना बंद कर दो, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन हो, टीवी स्क्रीन हो, लैपटॉप स्क्रीन हो या आपके कंप्यूटर की स्क्रीन हो. टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आप बंद कर दो बिफोर बेड टाइम, बेड टाइम से पहले, सोने से पहले. एंड ट्राई टू गो टू बेड एट द सेम टाइम एवरी नाइट, और हर रात एक सेम टाइम पर बेड पर जाने की कोशिश करो. एक अपना टाइम डिसाइड कर लो, निश्चित कर लो कि मैंने अगर 9 बजे सोना है तो 9 बजे ही सोना है. ओके,
उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका हो सकता है किसी कारण की वजह से, लेकिन अधिकतर आप 9 बजे सोने चले जाओ। ओके, जाने से पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर दो। बेड में आकर आप जब अपने बिस्तर पर आ जाएं, तब आप कोई भी स्क्रीन ना देखें, ताकि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो पाए, बिकॉज स्लीपिंग बेटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ एंड हेल्थ। आपकी ग्रोथ और हेल्थ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलवेज वियर अ हेलमेट एंड सेफ्टी पैड्स। हमेशा हेलमेट पहनो, सेफ्टी पैड्स पहनो व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल और स्केटबोर्डिंग, एंड मेक श्योर योर बाइसिकल हैज रिफ्लेक्टर्स एंड अ हॉर्न और अ बेल। ओके, तो आपको हेलमेट पहनना है, आपको पैड्स पहनने हैं, सेफ्टी पैड्स, जब भी आप कोई साइकिल चला रहे हो या स्केटबोर्ड चला रहे हो। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी बाइसिकल में रिफ्लेक्टर्स भी हो, हॉर्न भी हो या फिर कोई बेल हो। सो आपको ये सब याद रखना है ताकि आप सेफ रह सको। सो बच्चों, ये थी हमारी कुछ गुड हैबिट्स जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं, ओके, और सेफ भी रह सकते हैं। सो इस तरह वी आर डन विद द चैप्टर 1।